नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का 12वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान स्टीव स्मिथ ने टॉस जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। पहली पारी में बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की टीम ने शुभमन गिल के 47 और निचले क्रम में एयन मॉर्गन की पारियों की बदौलत निर्धारित 20 ओवर में 174 रन बनाए और राजस्थान के सामने 175 रनों का टारगेट रख दिया। राजस्थान के गेंदबाजों ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और केकेआर के बल्लेबाजों को बहुत हद तक नहीं चलने दिया। आपको बता दें, इस दौरान टीम के फील्डरों ने कमाल की फील्डिंग भी की। आपको बता दें, पारी के 18वें ओवर के दौरान विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते हुए पैट कमिंस का एक कमाल का कैच लपका, जिसने सभी को हैरान कर दिया। टॉप करन की एक बाउंसर थी जिसे पैट कमिंस ने पुल कर दिया था। लेग साइड में गेंद काफी ऊपर थी। संजू सैमसन ने कमाल के अंदाज में गेंद को जज किया और हवा में उड़ते हुए कैच को लपक लिया। पैट कमिंस 10 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हुए। इस दौरान उन्होंने एक चौका लगाया। आपको बता दें, इस टूर्नामेंट में संजू सैमसन बल्ले से काफी कमाल दिखा रहे हैं। इससे पहले CSK और किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ उनका बल्ला जमकर बोला था और उन्होंने चौके छक्कों की बारिश कर दी थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम स्पोर्ट्स अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।